कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो पीपल्स, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो बाइक की जो सीक्वेंसिंग करी है उसको ध्यान से देखना। सबसे महंगा मॉडल जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद फिर जितने सस्ते सस्ते होते चले जाएंगे वो और आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कि फर्स्ट नंबर पे जो है वो सबसे महंगा मॉडल है, फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे जो है वो सस्ते सस्ता मॉडल है। सीसीज के हिसाब से मैंने इसको सीक्वेंसिंग नहीं करी है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले पैसा देखा जाता है। भाई पैसे कितने कितने की है ये उसके हिसाब से मैंने इसकी सीक्वेंसिंग करी है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ, मेन ब्लॉग की तरफ। तो एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। मैंने इसमें रिव्यूज़ भी अपने दिए हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज भी बताई है और उसकी बेसिक चीज़ें भी बताई हैं मैंने थोड़ी बहुत। तो ठीक है, इसके एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना एक बारी, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना है इस पर। मुझे इसमें कम से कम भी 2000K मिल सकते हैं, प्लीज़, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुजुकी वी स्ट्रॉम 650 की। पावर जो प्रोड्यूस करती है ये 71 हॉर्स पावर की। टॉर्क जो है इसका मैक्सिमम 62 न्यूटन मीटर। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है इसमें। पेट्रोल कैपेसिटी जो है 20 लीटर्स की है इसमें। तो आइए बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो जैसा कि इसका डिज़ाइन है, बेसिकली डिज़ाइन इसको किया गया है बिल्कुल ऑफ रोडिंग के लिए। टॉप एंड जो है इसका काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से लॉन्ग राइड के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती है, और ऑफ रोड पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। स्पोक व्हील्स जो हैं इसके वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमें ऑफ रोडिंग के लिए। टायर्स जो हैं इसमें स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए ही दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं, मुझे तो कुछ ज़्यादा लगी नहीं है, बट हाँ फिर भी जो इसका प्राइस टैग है वो इस बिल्ड क्वालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, इतना ज़्यादा प्राइस है इसका। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है जो कि इसकी सेल्स को बहुत ज़्यादा गिरा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी बेनेली। बेनेली के अंदर हमारे दो मॉडल्स आते हैं, पहला है TRK 502 और दूसरा है TRK 502X। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। डिस्प्लेसमेंट है दोनों बाइक्स का 500 cc। दोनों के दोनों मॉडल्स में जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है वो होती है 47 हॉर्स पावर की। मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करती है 45 न्यूटन मीटर की। दोनों में ही 6 स्पीड गियर का बॉक्स है, और दोनों ही बाइक में जो पेट्रोल की कैपेसिटी है, फ्यूल की कैपेसिटी है, वो 20 लीटर्स की है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो इसका टॉप एंड है वो बड़ा होने की वजह से टूरिंग और लॉन्ग ड्राइव को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है, और इवन सिटी जैसे ट्रैफिक में बहुत ही कंफर्टेबल है, ज़्यादा ये दिक्कत देती नहीं है एज़ कम्पेयर टू वी स्ट्रॉम। और जो इसकी ऑफ रोड पे जो परफॉर्मेंस है वो रेडी टू गो वाली है, मतलब कि हर टाइम रेडी रहने वाली। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है दोनों बाइक्स का। डिसएडवांटेज सिर्फ इतनी सी है इसमें कि इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, कंसोल जो है इसका बहुत ही बेसिक है, बट जो इसका प्राइस पॉइंट है वो इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आगे बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड BMW 310 GS की, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 313 cc और जो पावर ही प्रोड्यूस करती है 33 हॉर्स पावर की प्रोड्यूस करती है। टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है 28 न्यूटन मीटर का करती है। अगेन इसमें भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। पेट्रोल कैपेसिटी बहुत ही लो है इसकी, 11 लीटर का टैंक है। सिंगल सिलेंडर बाइक है। तो दोस्तों अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं
तो एडवांटेजेस कुछ इस तरीके से है, BMW ही अपने आप में सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, जो टैग लगा हुआ है वो BMW का लगा हुआ है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ये वाली बाइक जो है वो TVS के साथ आने वाली थी, पहले TVS इसको लॉन्च करने वाला था, उनके कोलैबोरेशन के साथ ये लॉन्च करने वाला था, बट TVS ने अपनी बाइक निकाल दी जो कि आपको पता होगा। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि पूरा का जो टॉर्क है इसका, वो टॉर्क फ्रंट एंड पे जाके पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऑफ रोडिंग में उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। और डिसएडवांटेज प्लस इसका ये भी है कि इतना बड़ा ब्रांड होने की वजह से इसके डीलरशिप नहीं, आसानी से अवेलेबल नहीं है, मेजरली सिटीज़ में ही अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबकी चहेती KTM 390 की तरफ। तो इस बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 373.2 cc। पावर जो प्रोड्यूस करती है वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करती है, 42.3 horsepower। टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है 37 Nm का। 6-speed का गियरबॉक्स है इसमें। फ्यूल टैंक भी अच्छा है, 14.5 liters का फ्यूल टैंक है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस है, ये बाइक है जो कि काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ पूरी तरीके से लैस है। टैकोमीटर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है, हर एक चीज़ है। और फिंगर टिप्स पे मैं आपको गिना सकता हूँ कि इसके बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले DRL, फिर उसके बाद ये मोबाइल ऐप है, इसके साथ ये कनेक्टेड हो जाती है। फिर उसके बाद आता है GPS नेविगेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बाइकर्स को टूरिंग के लिए। स्विचेबल ABS, आजकल खैर सभी में कॉमन है, स्विचेबल ABS सभी में आता है। लो फ्यूल इंडिकेटर, ऑयल इंडिकेटर, सारे कंसोल के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसके, तो एडवांटेजेस ये भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हैं, लॉट ऑफ वाइब्रेशन आई हैव फेल्ट ऑन दी फाइबर पार्ट्स, जितने भी फाइबर पार्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन मैंने फील करी। जब भी आप स्पीड अप करते हो बाइक को, कंसोल के आसपास भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील करी। इंजन का जो वेट है वो फ्रंट साइड पे आने की वजह से ऑफ रोड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस बाइक को लेकर। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज जो है वो है स्पेयर पार्ट्स को लेकर। स्पेयर पार्ट्स इसके काफ़ी कॉस्टली हैं एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। तो चलिए ये बढ़ते हैं आगे सबकी चहेती हिमालयन की तरफ। तो हिमालयन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 411 है। पावर जो ये प्रोड्यूस करती है 25 horsepower के आसपास प्रोड्यूस करती है। टॉर्क जो प्रोड्यूस करती है ये 32 Nm का प्रोड्यूस करती है। गियर जो है इसके वो 5 ही हैं अभी तक। फ्यूल टैंक 15 liter की कैपेसिटी के साथ है। सिंगल सिलेंडर बाइक है अभी तक ये। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इसका मैं बताऊँ तो वो अफोर्डेबल बाइक है और ऑफ रोड पे अच्छी परफॉर्मेंस देती है। क्यों? क्योंकि इसके व्हील बेसेस काफी बड़े हैं। आई मीन टू से 19 इंच का फ्रंट व्हील बेस है और 17 इंच का बैक साइड वाला है, और स्पोक व्हील्स हैं इसके, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, मेन USP है RE की, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आप जब बाइक लेते हो कोई भी, तो उसकी वाइब्रेशन आपको साथ में फ्री में मिलती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी है वाइब्रेशन। कहीं पे भी आप जाते हो बाइक लेके तो आपकी मसाज कंपलसरी है, मसाज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल भी हो जाओगे ड्यू टू इट्स साउंड। और लोग इसको लद्दाख ले जाना बहुत पसंद करते हैं। एक चीज़ मैंने वहाँ पर ये नोटिस करी थी कि जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ पर ये अंडर पावर हो जाती है, मतलब कि टॉर्क जो है इसका कम हो जाता है।